अंधेरे जंगल में जब भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाएगा बिना हथियार का, जिंदा वापस आ गया तो पास, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा एग्जाम था सच रहा, पास तो जिंदा है, फेल तो मर जाएंगे। ये महिला की तरह सचता था, देख रहे हैं यहाँ पे ना को पूरा दहिया छेदवा के रख लेते, हिया हिया कुछ कुछ पहने रहता था सोना। और इसके रथ को जगसीज का जो रथ था उसे 200 आदमी खींचता था, और ये इसका रथ जमीन पे नहीं रहता था। ये ग्रीस जो है ना, ग्रीस, ये ग्रीस के पास छोटा सा शहर था, क्या नाम था, स्पार्टा। स्पार्टा की सभ्यता बहुत ज्यादा फेमस है। स्पार्टा जो था ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा के महज 300 सैनिक, स्पार्टा के कितने सैनिक, लिनियाडो के नेतृत्व में, लिनियाडो उनका सेनापति था। स्पार्टा के 300 सैनिक अपने सेनापति लिनियाडो के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को मार के गिरा दिया, 20,000 सैनिकों। और 20,000 सैनिक का नेतृत्व जगसीज कर रहा था, कौन कर रहा था, जगसीज। दुनिया में सबसे बहादुर माने जाते हैं स्पार्टा के सैनिक। अरे उनका भाला बहुत तगड़ा था, ये लोग भाला से ही लड़ाई करते थे। और जगसीज के 20,000 सैनिकों को मार दिया। बाद में स्पार्टा के सैनिकों में से एक सैनिक को मिला लिया था जगसीज, जो खुफिया रास्ता बना बता दिया, जिस वजह से जगसीज क्या हो गया, जीत गया, वरना लिनियाडो जो था मार के गिरा दिया था। 300 मिलकर 20,000। और रीजन भी था, उन 300 सैनिकों की ट्रेनिंग कब से होती थी, जब वो 12 साल के हो जाते थे ना, तब से लेके 20 साल तक 8 साल सेना की ट्रेनिंग होती थी। 12 साल बच्चा से लेकर और 8 साल 20 साल तक एकदम यंग एज तक पूरा उसका शरीर पत्थर बना देते थे सब ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग पास कब होता था, जब वो जब ट्रेनिंग कब पास होगा, अंधेरे जंगल में जब भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाएगा बिना हथियार का, जिंदा वापस आ गया तो पास, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा एग्जाम था सच रहा, पास तो जिंदा है, फेल तो मर जाएंगे। इतना खतरनाक ट्रेनिंग दिया जाता था जिसका कोई हद नहीं। सबसे बहादुर सैनिक माने जाते थे स्पार्टा के। लेकिन जब तक मिला नहीं, जब तक आपके घर में कोई नहीं भेदिया होगा ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है दूसरा कोई मार सके। चाहे आप पद्मावती मूवी दीजिए, और बुढ़ऊ जाके बता दिया था, का नाम था उसका, राघव चेतन, वही ना लेके आ गया अलाउद्दीन खिलजी को कहां तक, चित्तौड़ तक लेके चलाया। ये रहा लिनियाडो। स्पार्टा का राजा का नाम क्या था, लिनियाडो। 300 देख रहे हैं, इसका सिक्स पैक उस टाइम बनाया था, बहुत खतरनाक था स्पार्टा के सैनिक। और ये इस तरह से इनका कपड़े लाल ड्रेस होते थे, एकदम लाल रंग के इनके ड्रेस हुआ करते थे। और मारा था 20,000 सैनिकों को मार के गिरा दिया थे स्पार्टा। और जगसीज जो था वहां का विलेन था, ये राजा था, ये हिजरा था, समझ में नहीं आता था। इसका मेकअप देखिएगा, रानी से ज्यादा तो अपने मेकअप करके रहता था। स्पार्टा के सिपाही का नेतृत्व कौन कर रहा था, स्पार्टा की सेना का, लिनियाडो। कौन कर रहा था, लिनियाडो। ये कौन है, लिनियाडो। और इसके सैनिक जो थे किस कपड़े, किस रंग के कपड़े में रहते, लाल। ये तलवार से ज्यादा लड़ते थे कि भाला से, इनके पास तलवार भी रहता था, तलवार वहां छुपाया रहता था, जानते हैं कहां पे, ये ढाल के पीछे, जो ढाल है इस ढाल के पीछे क्या छुपाए रहते थे, तलवार। और भाला लेके लड़ते थे, और ढाल के पीछे क्या रहता, तलवार। भाला लेके मारते रहते, कोनो पास आ गया भलवा रख के, बाद में ना तुम बहुत खतरनाक मार करता था। अब इतना ही सोचे, ये कौन है, ये तो उसकी पूरी सेना है, ये 300 की फौज थी। और ये है आपका कौन सा, जगसीज। इस ससुरा हिजरा लगता था हमको, आगे देखते हैं। जगसीज जो था बहुत क्रूर शासक था। जगसीज क्या था, बहुत क्रूर। ये महिला की तरह सचता था, देख रहे हैं यहाँ पे ना को पूरा दहिया छेदवा के रख लेते, हिया हिया कुछ कुछ पहने रहता था सोना। और इसके रथ को जगसीज का जो रथ था उसे 200 आदमी खींचता था, और ये इसका रथ जमीन पे नहीं रहता था, हम मतलब कंधा पे रहता था, जहां भी चलेगा तो 200 आदमी इसको, डोली जो होता है ना डोली, तो इसका डोली नहीं रहता था, पूरा सिंहासन रहता था। 20 सीढ़ी उतरता था अपने डोली पे से, सोचिए डोला था कितना ऊपर बड़ा था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, एकदम 20 सीढ़ी उतरता था तब ये जमीन पर आता था। कौन, जगसीज। उतना भारी भरकम सिंहासन को गुलाम लेकर ढोते थे सब, इतना खतरनाक था ये शासक। नाम क्या था इसका, जगसीज। क्या नाम था, जग, कौन सी है, लिनियाडो। ये उसकी सेना है, कितनी सेना थी,
300 मार के गिरा दिया स्पार्टा वालों ने, किसकी सेना को? जक्सी। बाद में जक्सी जो था वो क्या किया, इसकी से एक्चुअली हुआ क्या था ना, इसने लिनियार्डो की सेना में एक रहने के लिए आया था सैनिक जो योग्य नहीं था, उसने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तू अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए किससे मिल गया? इस समय फोटो नहीं, उस समय का ये जो फोटो नहीं, मतलब मॉडर्न तरीका से उसे बताया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब रावण का फोटो उस समय कैमरा था नहीं, लेकिन बताया गया दशानंद था, 10 गोमूरी है माने रावण है, संकेत समझ रहे ना। अब 10 गोमूरी है तो आप किसी और को तो कहेंगे नहीं यहाँ पर, तो सांकेतिक रूप से उसी को समझिए। उस समय की चित्रकारी भी बहुत बेहतरीन थी। आगे बढ़ जाए, ये मारा गया था यहाँ पर, ये लिनियार्डो आई, इसको मारा बच गया था ये यहाँ पर, इसको इतना तीर मारा था कि बेचारा धंस गया था यहाँ पर। इनको तीर मारा जाता था ना तो इनके पास एक बड़े आकार का ढाल होता था, सब ढलवा से खुद को क्या हो जाते थे, ढक लेते थे सर। तो दूर तीर की एक खराबी है, जब दुश्मन दूर रहेगा तभी मार सकते हैं, पास में कैसे मारिएगा, आप होगा सैनिक मारा जाएगा सर। तो ये कोशिश करता था ढाल रोक के सेना में मिल जाने के लिए, और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तीर, किसकी? जक्सीज की। और तीर मारता था, ये ढक लेते थे ढाल से, और उसकी सेना जब आती थी मार के रद्द कर देते। इस जगह भाला बहुत तगड़ा था, बहुत बहादुर रहते थे सर। और युद्ध के मैदान में जानते हैं जो जितना तेजी से लड़ेगा ना बाकी का हिम्मत टूट जाता है। लड़ाई में देखिएगा ना एक और को बड़ी उड़ता है सब, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मार धर गाँवों के लड़ाई में अकेले 10 जानी को मारेगा वो, समझ में आएगा नहीं? ओकरे धके कूच दो, समझ में आएगा कि नहीं आ गया? लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, प्राचीन काल थोड़े जो अभी लड़ेंगे आप लोग।